हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पबजी 1.6 अपडेट आने के बाद आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका जो पबजी है वो 64 बिट का या फिर 32 बिट का। दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आपको मैंने बताया था कि आप कैसे अपने पबजी का बिट पता कर सकते हो। तो वहाँ पर दोस्तों जब पबजी का 1.5 अपडेट आया था तब मैंने वो वीडियो बनाया था, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है। अब आपको यहाँ पर मैं फिर से एक तरीका बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हो आपका जो पबजी है वो यहाँ पर कितने बिट का है, 32 बिट का है या फिर 64 बिट का। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर दो पबजी मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। एक यहाँ पर मेरे पास है 32 बिट का और एक है यहाँ पर 64 बिट का। तो यहाँ पर एक मेरे पास है BGMI और दूसरा है KR। तो यहाँ पर मैं कैसे पता करूँगा यहाँ पर कि मेरा जो पबजी है वो यहाँ पर 64 बिट का है फिर 32 बिट का। तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने जो एंड्रॉयड फोल्डर है उसमें जाना होगा। तो अगर दोस्तों आपके पास एंड्रॉयड 11 फ़ोन है तो आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है ZAchiever। तो यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। तो सिंपल आपको इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है अपने एंड्रॉयड फोल्डर में। एंड्रॉयड फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है OBB फोल्डर में। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो पबजी की फाइल है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास दो पबजी है, यहाँ पर एक पबजी मोबाइल इंडिया और दूसरा यहाँ पर पबजी KR। तो दोस्तों यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर हमारा जो पबजी है वो यहाँ पर 64 बिट का है तो या फिर 32 बिट का। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना पबजी मोबाइल इंडिया का फाइल जो है ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर पबजी मोबाइल इंडिया की जो फाइल है यहाँ पर इसका जो नंबर है वो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। तो इसका जो नंबर है दोस्तों 15527। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो नंबर यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये 64 बिट की फाइल का नंबर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो नंबर है दोस्तों ये पबजी की 64 बिट की फाइल का नंबर है। लास्ट में आप देख सकते हो 27। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा। तो हमारा जो पबजी मोबाइल इंडिया है वो यहाँ पर 64 बिट का है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ पबजी KR। तो यहाँ पर पबजी KR का जो फोल्डर है मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आप इसकी जो फाइल यहाँ पर देख सकते हो इस फाइल में नंबर है 15522। तो यहाँ पर दोस्तों ये 32 बिट की जो फाइल होती है उसका यहाँ पर ये नंबर होता है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पबजी KR है वो यहाँ पर 32 बिट का है। तो हमारा जो पबजी इंडिया है वो 64 बिट का है और यहाँ पर पबजी KR मेरे पास है 32 बिट का। तो इस नंबर के मदद से आप पता कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके पास इस तरह का नंबर है 15522 तो आपका जो पबजी है वो यहाँ पर 32 बिट का है। और अगर आपके पास यहाँ पर इस तरह का नंबर है 15527 तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो पबजी है वो यहाँ पर 64 बिट का है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर आसानी से पता कर सकते हो कि आपका जो पबजी है वो यहाँ पर 64 बिट का है या फिर 32 बिट का। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं अक्सर ऐसी अपडेट लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।